हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DKSIS एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो IAS और IAS में आए थे, 2016 और 15 में आए हुए थे, और भी मैंने 3-4 सालों का पेपर जो भी अध्ययन किया था उसके अनुसार मैं पढ़ाने का प्रयास आप लोगों को किया था। लेकिन आज हम लोग जो है, जो हम पढ़ाए थे उसी के बेस पे हमने देखा था कि कौन से जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है कि नहीं क्वेश्चन से, ये मैं आपको उस दिन बताने का प्रयास किया था। आज मैं आपसे उस दिन भी कहा था कि जो है आपको हम आने वाले वीडियोज जो हमारे होंगे उसमें हम आपको नैतिकता और नीति शास्त्र के बीच अंतर बताएंगे। हालांकि UPSC में हमेशा ऐसा ही रहा है कि नैतिकता के जगह पे उन्होंने UPSC ने क्या लिखा है, हमेशा इथिक्स ही शब्द का यूज किया है, जबकि इथिक्स का मतलब ये होता है कि नीति शास्त्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ नैतिकता के बदले में हमेशा नैतिकता, आचार, नीति, इन सारे शब्दों के रूप में क्या एक तरीके से प्रयोग हुआ है इथिक्स शब्द का ही, तो इसलिए ये कोई अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये सिमिलर वर्ड के रूप में हमेशा यूज होता है एक दूसरे के रूप में। आप देखते होंगे कि लाइफ रूटीन में भी नैतिक शास्त्र वगैरह की शिक्षा दी जाती है, जब आप 4-5 में पढ़ रहे होते हैं 6 तक, तब तक आपको नैतिकता की खूब सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो समझ लीजिए कि वही नैतिकता क्यों पढ़ाई जाती है उस टाइम में, आज आके वो डेवलप रूप में अध्ययन के रूप में हम देखते हैं कि आगे जब हम स्टडीज करते हैं तो नीति शास्त्र के रूप में वो फिलॉसफी का एक भाग बन जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रशासन में नैतिकता नहीं बल्कि नीति शास्त्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीति शास्त्र के लिए इथिक्स शब्द यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, लेकिन जहां तक हमारा विचार है, जहां तक मैंने देखा हुआ है यूपीएससी में पिछले 4-5 सालों के पेपर में, नीति शास्त्र के जगह डायरेक्टली नैतिकता लिखा रहता है वहां पे। इथिक्स हिंदी इंग्लिश में तो वही रहता है, इथिक्स ही रहता है शब्द, मोरल यहाँ पे कहीं ज्यादा लिखा उखा नहीं जाता है। ज़्यादातर समय में इथिक्स का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, नैतिकता से मतलब वहाँ पे निकलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी इन सब के बावजूद हम यहाँ पे डिफरेंस करने का कुछ प्रयास करेंगे, छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ भी बनी रहे, एक बात बनी रहे कि हाँ अच्छा इसका मतलब भी अंतर होता है, थोड़ा ये जानते रहें कि ये क्या है दोनों में, ठीक है, ये देखने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम नीति शास्त्र की बात करते हैं, पहली बात देखिए, दोनों हम लिख देते हैं, पहले दोनों हम यहां पे लिखते हैं। जैसे यहां हम अगर लिख दें इथिक्स, या हम इसको नीति शास्त्र बोल देते हैं ना, नीति शास्त्र, ठीक, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे मोरल्स, या यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं नैतिकता, हिंदी में नैतिकता, ये देख रहे हैं आप, ये दो टर्म हो गए। अब हम इन दोनों में एक तरीके से अंतर देखेंगे, कुछ एक तरीके से संबंधों को एक दूसरे से कैसे सिमिलर वर्ड हैं ये भी हम देखने का थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपके PCS के IAS के एग्ज़ाम में आए तो आप सॉल्व कर सके आसानी से इन चीज़ों को, कैसे इसको देखें ये देखते हैं हम। देखिए, इथिक्स में क्या होता है, इसमें ये जो है ग्रीक भाषा के, हमने आपको बताया था वीडियो में, आप देख सकते हैं, ग्रीक या इसको यूनानी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूनान एक देश था पहले, ठीक है, उसकी भाषा थी ग्रीक, तो वही ग्रीक और यूनान एक ही है, ठीक है, यहाँ पे उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इथिकॉस ग्रीक भाषा के इथिकॉस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चरित्र, ठीक है, चरित्र। ये इथिक्स जो है ग्रीक भाषा के इथिकॉस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चरित्र, या हम इसके जगह इथिकॉस के जगह पे ना हम लोग ये भी प्रयोग कर सकते हैं कि इथिकॉस के जगह हम इथॉस भी प्रयोग करते हैं कभी कभी, है ना, ऐसा नहीं कि यही हमेशा यही रहता है, ठीक है, हम जो है इसको इथॉस भी प्रयोग करते हैं, तो कहीं वैसा लिखा मिले तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। और इथिक्स, अब हम नैतिकता की बात करते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ चरित्र से तात्पर्य है, ठीक, और यहाँ पे हम नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है। नैतिकता में हम लोग क्या देखते हैं, नैतिकता में जैसे इन द सेंस कि हम यहाँ पे देखें इथिक्स, अभी देखें यहाँ पे नैतिकता में क्या होता है, ये लैटिन शब्द
लैटिन शब्द, देखिए पहले हम मीनिंग को पहले समझने का ठीक से प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे भी हम देखेंगे, कुछ दो तीन पॉइंट देख लेंगे। बस देखिए दो तीन पॉइंट अगर आपको मालूम हो जाएगा ना, आप लिख लेंगे अच्छे से, कोई नहीं कि बहुत विस्तृत तरीके से यहाँ पे मैं जो है आपको बता दूँ कि आ ही जाएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। आप इन दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस जानते रहिए ताकि एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप कर सकें, आसानी से सॉल्व कर पाएँ। लैटिन शब्द किससे बना है ये? मॉस से बना है, ये मॉस, ये सब मॉस से, ठीक है, इससे बना है। इसका अर्थ होता है क्या? अर्थ इसका है, मतलब अर्थ अर्थ आप समझ लीजिएगा, लिख नहीं रहा हूँ, अर्थ इसका क्या है? परंपरा। अब आपके अंदर दिमाग में कन्फ्यूज़न आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे परंपरा और भी चरित्र भी लिख सकते हैं। अब आप देखे होंगे कि मैं जब वीडियो पढ़ा रहा, जब इसके पहले वाले वीडियो उसको मैंने बनाया था पार्ट, जब तीसरा लेक्चर हमने लिया था इथिक्स का, उसमें बताया था कि ग्रीक शब्द नीति शास्त्र, ग्रीक शब्द इथिकॉस से निकला, जिसका अर्थ होता है परंपरा, चरित्र, आचरण, इस टाइप की बात हमने किया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नैतिकता का मतलब भी यहाँ पे क्या है? परंपरा से ही तात्पर्य है। देखिए हम पहले इन दोनों का मीनिंग बता रहे हैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा, परंपरा से यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमने कहा था ना यहाँ पे समानता अगर दर्शानी हो तो कैसे दर्शाएंगे? आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसका भी मतलब चरित्र परंपरा इन्हीं से है, इनका भी मतलब यही है, परंपरा से ही तात्पर्य है ये इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से भी परंपरा, हम प्राचीन टाइम में इसको परंपरा के रूप में जो है लेते थे, और नैतिकता को भी हम परंपरा के रूप में ही लेते थे, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो अंतर में ज़्यादा अंतर हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे। अभी हम इन दोनों मीनिंग की बात की, दोनों का मीनिंग लगभग लगभग सेम है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ भी चरित्र की बात हो रही है, यहाँ भी चरित्र की बात होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंस कैसे है दोनों में, अब ये देखते हैं दोनों में। जबकि देखिए कॉमन वर्ड है, परंपरा यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी परंपरा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ भी आप परंपरा ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इस टाइप की बातें लिखेंगे आप, परंपरा, आचरण, चरित्र, इस टाइप की बात, ठीक है। तो ये हो गया, ये समानता हो गया दोनों, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इथिक्स में और इसमें क्या अंतर है, और ये तो हो गया दोनों में समानता ही हमको देखने को मिलेगा जब हम इसके अर्थों पे जाएंगे, तो इसलिए यूपीएससी में दोनों में एक तरीके से देखते हैं हम कि दोनों को समान रूप में लिया गया है, ठीक है। जो ये इथिक्स होता है, नैतिकता होता है, मोरल्स होता है, ये क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, समझ रहे हैं, ये व्यक्तिगत होता है। जैसे व्यक्तिगत में क्या होता है, किसी, अब इसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अनुसार सही और गलत क्या है, है ना, हम इसमें किसी व्यक्ति के अनुसार अच्छा और बुरा क्या है, किसी व्यक्ति के अनुसार शुभ और अशुभ क्या है, पर्सनल, जैसे मैं हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपके अनुसार कुछ और होगा अच्छा बुरा, मेरे अनुसार कुछ और होगा अच्छा बुरा, मेरे अनुसार मेरे चरित्र अच्छा बुरा या शुभ अशुभ अलग होगा, कुछ और होगा, उचित अनुचित मेरे अनुसार कुछ और होगा, मैं मानता हूँ जिस अनुसार जो मेरे सिद्धांत होंगे, जो मेरे सिद्धांत है, जो मैंने शिक्षा ली है, ठीक है, जो मैंने आज तक सीखा है अपने पूर्वजों से, अपने देश से, अपने समाज से, जो भी मैंने सीखा है, जिस परिस्थिति और संदर्भ में मैं रहा हूँ, वहाँ से जो भी मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, जो ज्ञान हम सीखे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व किए हैं आज तक, वो हमारे अनुसार अच्छा और बुरा क्या है, हमारे अनुसार उचित और अनुचित क्या है, हमारे अनुसार जो है शुभ और अशुभ क्या है, हमारे अनुसार सही और गलत क्या है, ये क्या दिखाता है? ये हमारा नैतिकता बताता है। नैतिकता ही हमको बताती है कि हमारे अनुसार क्या है, अच्छा बुरा क्या है। हो सकता है आपके अनुसार नैतिकता का मतलब कुछ और हो, आपके अनुसार अच्छा और बुरा, आप अपने सिद्धांत, जो आपने शिक्षा लिया है अभी तक, जहाँ भी आप शिक्षा लिए हों, अपने घर से, अपने परिवार, घर और अपने दोस्तों से, अपने समाज से, जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस संदर्भ और परिस्थिति में आपने ज़िंदगी को अपने गुजारा हुआ है, या जिस राष्ट्र के द्वारा जो आपको शिक्षाएं मिली हैं,
अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हैं वहाँ से कुछ शिक्षाएं अगर मिली है तो आपके अकॉर्डिंग जो है अच्छा और बुरा अलग हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा और बुरा अलग हो सकता है, आपके दोस्तों के अकॉर्डिंग भी अच्छा और बुरा कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, उनके मायने में कुछ और उचित और अनुचित हो सकता है, सही और गलत का फैसला वो उनके अनुसार कुछ और हो सकता है, अन्यों के अनुसार भी कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो नैतिकता है ना, हमको यही बताता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत होता है, हमारे कुछ व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं, हमारे कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, उन मूल्य के अनुसार हम सही और गलत का फैसला करते हैं, उन मूल्य के अनुसार हम अच्छा और बुरा का फैसला करते हैं, उन मूल्यों के अनुसार हम शुभ और अशुभ की बात करते हैं, यही क्या है व्यक्तिगत है नैतिकता। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, मोरल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, हमारी परंपराएं, हमारा चरित्र, हमारा आचरण यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। लेकिन अब जब इसमें आएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, इथिक्स क्या है, मैंने आपको बताया था ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत नहीं इसका मतलब बल्कि पूरा समाज इससे प्रभावित होता है, देखिए अब देख लीजिए। अब जब हम नैतिक नीति शास्त्र की जब बात करते हैं तो नीति शास्त्र में हम क्या देखते हैं, ये तो ये क्या है, अध्ययन का विषय है। देखिए नैतिकता जो है व्यक्ति के अंदर चाहे अध्ययन करे या न करे, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये उसके अंदर पैदा जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसको थोड़ा समझदारी मिलती है तभी से अपने परिवार से कुछ मूल्य वगैरह ये सब सीखता है, वहाँ से क्या होता है उसका नैतिकता डेवलप होता है धीरे धीरे कि हाँ अच्छा बड़ों के अनुसार आपको मतलब पिता का पैर स्पर्श करना चाहिए, माता का पैर स्पर्श करना चाहिए, माता का कहना मानना चाहिए, ये सब उसके व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, यहाँ पे उसकी बात करता है। लेकिन जब आप इथिक्स में आते हैं, यहाँ नीति शास्त्र में आते हैं, जब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है कि आप जब आप अपना डिसीजन जो ले रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप में नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे जो भी कह रहे हैं, जो आपके मूल्य हैं, उससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, ये क्या हो गया, सामाजिक रूप में हो गया, समाज जो स्वीकार करे वही नैतिक इथिक्स नहीं है, लेकिन समाज में कुल हमारे कुछ मानक होते हैं, कुछ मूलभूत चीज़ें मानी गई हैं, वो हमारा जो समाज के द्वारा जो मान लिया गया है, कुछ नैतिक मूलभूत चीज़ें जो सही और गलत मान लिया गया है, वो नैतिकता के दायरे में ज़रूर आता है, लेकिन जब उसका उसको कोई प्रशासक या नेता उसको एक्सप्लेन करता है, जब उसको एक तरीके से लागू करता है, तो उससे क्या होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। तो यहाँ पे यही ये इथिक्स क्या है, ये व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इसके डिसीजन से इससे क्या होता है, पूरा समाज प्रभावित होता है। इससे अब हमने बताया था कि जो इथिक्स होता है वो क्या होता है, शांति हमारे समाज में लाता है ना, शांतिपूर्ण हमें एक मार्गदर्शन दिखाता है, समझ गए। अब जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये भी हमें क्या करता है, हमें हमारे लिए ये मार्गदर्शक करता है, समाज के लिए नहीं, ये मेरे लिए हमारा मार्गदर्शक है, खुद के लिए मेरा मार्गदर्शक है। हमारी नैतिकता गलत भी हो सकती है लेकिन इथिक्स हमारा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके जो मूल्य होते हैं ये पूरे समाज पे अप्लाइड होते हैं, ठीक है। इसका जो डिसीजन होगा वो पूरे समाज पर अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिसीजन एक मानक के तौर पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी नैतिकता होती है यहाँ पर्सनल मामला आ जाता है, हमारे अनुसार सही और गलत क्या है, आपके अनुसार सही और गलत क्या है, बस यही चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नीति शास्त्र व्यक्तिगत नहीं है बल्कि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, ये आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और दूसरी बात अब देखते हैं, पहला तो हमने बता दिया इसका अर्थ वो समानता सिमिलर ही है, हमेशा यूज होता है यूपीएससी में भी, आप देख रहे होंगे पेपर देख, अगर आपने देखा होगा कभी पेपर, या मैं दिखा ही दूंगा आपको कभी न कभी पेपर, ठीक है, जब भी अगले वीडियो में जब भी,
तो आपको सब दिखा दूंगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था, वहाँ पे आचार नीति का मतलब एथिक्स लिखा हुआ था, समझ गए, या कभी कभी नैतिकता लिखा हुआ आ जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका अंतर हो जाता है। ये व्यक्तिगत, ये इसमें ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मानिए जिसको आप नहीं, अब देखिए इथिक्स में क्या होता है, इथिक्स में तो होता ऐसा है कि जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ भी आपका मतलब जिसके उसका आपका व्यवहार कैसा है, जिसके जिसको आप नहीं जानते हैं उसके साथ कैसा व्यवहार है आप, यहाँ पे इथिक्स में ये मिलता है हमें देखने को नीति शास्त्र में, कि हम जिसको नहीं जानते हैं उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। इम्पोर्टेंट ये, मान लीजिए आप रास्ते में गए, कहीं कोई व्यक्ति मिला आपको, अचानक से कोई व्यक्ति आया आपसे पूछा, भैया ये पता बता दीजिए, तो कुछ ऐसी बातें आईं जो जिससे आप उससे संपर्क में आ गए और अब आपके बीच में एक तरीके से बातचीत चलने लगी, एक नैतिक पूर्वक बात चलने लगी कि हाँ मूल्यों के आधार पर बातचीत चलने लगी, वहाँ पे आपका व्यवहार वहाँ पे एडजस्ट करता है कि आप कैसे डील कर रहे हैं किसी से। जब आप कंपनी में होते हैं, कॉरपोरेशन से कॉरपोरेट सेक्टर में जब आप होते हैं, वहाँ पे आपका डील दूसरे जो मान लीजिए श्रमिक हैं उनको आप नहीं जानते हैं, आप कैसे वहाँ पे डील कर रहे हैं, इससे क्या होता है आपका व्यवहार वहाँ पे क्या है, ये देखा जाएगा किसमें, नीति शास्त्र में। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं नैतिकता में आते हैं, नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो नैतिकता में जिसे आप जानते हैं उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, इम्पोर्टेंट ये है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है या आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो उस दो आप जो जो दोस्त है उसको तो आप जानते ही होंगे, आपका दोस्त है तो आप जानते ही हैं, तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ये नैतिकता का विषय हो गया, है ना। आप अपने माता पिता को जानते हैं, आप अपने भाई बहन को जानते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को पहचानते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने गुरु को जानते हैं जिससे पढ़े हैं आप, जिससे शिक्षा आपने ली हुई है, उसके साथ आपका कैसा व्यवहार है, ये नैतिकता का विषय हो गया। लेकिन रोड पे रास्ते चलते हुए कोई मिल गया, उसके साथ जो व्यवहार आपका होगा वो नीति शास्त्र का विषय होगा, जो नीति मूल्यों से आधारित, मूल्यों से आधारित हमेशा ध्यान रखिएगा, नैतिकता में हम मूल्य की बात करते हैं, ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हम जिसे नहीं जानते उसके साथ हमारे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे जिसे हम जानते हैं उसी के साथ व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक, इस तरीके की बात समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए आपकी नैतिकता, अब जैसे आप नैतिकता में जब पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें देखेंगे उदाहरण में हम कुछ ले लें, कुछ चीज़ों को ले, या तीसरे पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप बना सकते हैं आराम से, दूसरा हो गया, ठीक है, दूसरा मैंने दोनों बता दिया, आप लिख लीजिएगा इसको जो बताया हूँ, इसी को लिख लेना है, ठीक है, और लिख देता हूँ आपको, बल्कि ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा, नहीं जानते, ठीक है, ठीक है। अब ये इसमें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए और ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, समझ गए आप, नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए, सब लिखा है ना, ठीक, देख। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे, ठीक है, यह आपको क्या बनाएगा, एक अच्छा प्रशासक बना सकता है, यह यहाँ पे ये लिख लीजिए, यह आपको आपको यह आपको, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, यह आपको, ठीक है, ऐसे यह आपको
यह आपको एक अच्छा प्रशासक, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, यह आपको एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा नेता, अच्छा नेता, ठीक है, एक अच्छा कंपनी मालिक इत्यादि बना सकता है, ठीक है, इत्यादि बनाता है। यह आपको क्या करता है, तीसरा पॉइंट में इसमें देख लेते हैं, यह आपको एक अच्छा अच्छी बेटी एक अच्छी बेटी एक अच्छी एक अच्छा बेटा एक अच्छी पत्नी एक अच्छा एक अच्छी माँ, इस टाइप से आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए इस बनाता है, ठीक है, इत्यादि लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी माँ बनाती है, लिख दीजिए, ठीक है, एक अच्छी माँ बनाता है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, या आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा नेता, एक अच्छा कंपनी, ऐसे कामा दे देकर आप लिख लीजिए, मालिक बनाता है, ठीक है, कंपनी मालिक बनाता है, इत्यादि बनाता है। यहाँ पे या आपको एक अच्छी बेटी, ठीक है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, इस टाइप से, और भी आगे आप कुछ भी लिख सकते, एक अच्छा पिता, ठीक है, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, ये सब लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो नीति शास्त्र है, ये एक अच्छा प्रशासक बनाता है। प्रशासक क्या करता है, अब देखिए, एक अच्छा नेता भी ये बनाता है। ऐसे इस टाइप से आप कुछ भी और एग्जांपल ले सकते हैं जो सार्वजनिक कार्यों में उनके डिसीजन जो है प्रभावित करने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं। अधिकांश कार्य जब कोई एक प्रशासक कोई निर्णय लेता है, जब कोई नेता एक निर्णय लेता है या कंपनी का मालिक कोई निर्णय लेता है, तो इनके अधिकांश कार्य क्या क्या होते हैं, उन लोगों को प्रभावित करते हैं जिनको ये जानते भी नहीं है, है ना। अगर सपोज एक बात बताएं, देश का सीएम या देश का पीएम या देश के डीएम है या देश का किसी राज्य स्टेट का डीएम या जो है स्टेट में जो है ये जिले का डीएम हो, अगर कोई नियुक्त होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं स्टेट में, किसी भी स्टेट में कोई डीएम अगर काम कर रहा है तो उसके जो है डिसीजन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी प्रभावित करता है जिनको जानता तक नहीं होता है ना, मान लीजिए। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे आप जो डिसीजन ले रहे हैं बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है आपका डिसीजन, समझ गए, ये बातें इसमें आती है। चौथे पॉइंट में आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक। जब आप मोरल्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, यहाँ जब हम आते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये व्यक्तिगत, हम समझ रहे हैं आप, हमने पहले ही बताया था ये व्यक्तिगत रूप में है, काम करता है, ठीक है, तो व्यक्तिगत है ये, तो ये आपको जो ये अच्छा बेटा अच्छी बेटी इस टाइप का आपको बनाता है, मतलब आप अपने पिता की नज़र में अच्छा बेटा हो सकते हैं, आप अपने माता की नज़र में अपना अच्छा अच्छी अच्छी बेटी हो सकती हैं, इस टाइप से आपको ये देखता है, ये पर्सनली आपके व्यक्तिगत चीज़ों को देखता है। इसके डिसीजन से आप स्वयं बस प्रभावित होते हैं या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो केवल प्रभावित होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब कोई डिसीजन आप लेते हैं, चाहे नेता के रूप में होते हैं आप, चाहे प्रशासक के रूप में होते हैं या कंपनी मालिक के रूप में होते हैं, ठीक है, इसमें जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में या ऐसे कई क्षेत्र में जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके एक डिसीजन से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको आप जानते तक नहीं हैं, जिनसे आपका कोई पहचान भी नहीं है। तो ये होता है इथिक्स, समझ गए। तो इथिक्स सोचिए कि क्यों लाया गया हमारे आईएएस के सिलेबस में।
आप समझ सकते हैं कि इथिक्स का अध्ययन क्यों हो रहा है, नैतिकता वहाँ पे क्यों अलग हो जा रही है। नैतिकता व्यक्तिगत होता है, आपके मूल्य जो है आप जब से जन्म लिए हैं तब से आपके मूल्य बन रहे हैं, लेकिन उन मूल्यों का जब हम प्रयोग बड़े स्तर पे, जब किसी पद पर रहते हुए हम कार्य कर रहे हैं, जब हम हमारी कोई भूमिका जो हम जब हमारी कोई परिस्थिति नहीं बनी है, जब हम किसी भूमिका में अगर काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब तो वहाँ नैतिकता हमारी काम करेगी। लेकिन जब हम किसी परिस्थिति पद को प्राप्त कर लेते हैं, जब उस पद पे बैठ के हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे डिसीजन से ऐसे भी लोग प्रभावित होते हैं जिनको हम जानते तक नहीं, ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए।